चलो इतना नहीं चला जितना मैं सोच रहा था। ये दिख रहा है, ये हमने पेपर का, क्राफ्ट पेपर का बनाया हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो दिवाली आने वाली है 24 तारीख को, और कुछ दिन बचे हुए हैं अभी, तो हमने सोचा है क्यों ना अपने, चलो अपने कंट्री से दूर है, लोगों से दूर है, पर फेस्टिवल तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, उस ग्रैंड लेवल पे नहीं, पर स्वीट्स वगैरह तैयारी वगैरह तो कर सकते हैं। तो हम करंजी नहीं बना रहे इस बार, क्योंकि बहुत ताम झाम लगता है, ज़्यादा तो करंजी पसंद भी नहीं है इतना खाना बना। तो अपने जो होते हैं नमक के परे, वो हम बना रहे हैं इस वक्त। एक राउंड ऑलरेडी हम लोगों ने तल बल के रख दिया है, एक राउंड बाकी है। हाँ, हमने इस बार वो मैदा का नहीं बनाया हुआ है, उसको किसका बनाया हुआ है, आटे का। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और बनाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट किया, इट केम आउट डिलिशियस, बहुत कुछ फ़र्क पता भी नहीं चलता है। एंड इट हैज़ लाइक सम अमाउंट ऑफ रवा, सूजी बोलते जो अपन, वो डाल दिया है, और इतने क्रिस्पी बना है ना, खस्ता होता है ना, खस्ता, बहुत टेस्टी। सो एक राउंड तो हो गया है, ये बाकी है, काट लिया है, ये भी काट के तल देंगे। उसके बाद एक और डिश हमने जो ट्राई की आज बनाने की, दैट्स ये मैदे का है। ये हमने कविताज किचन का एक वीडियो देख के सोचा आज वो भी बनाते हैं। वो समोसे के शेप के रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे वो, फ्लैट ही, पर वो ऐसे ट्राइंगुलर शेप के कुछ तो रहते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, आई होप ये भी अच्छा बने। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसकी बारी आएगी। बाय द वे, ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ काटने का काम कर रहा हूँ इसको। सब कुछ भारती ने किया हुआ है, गोंदा वोंदा सब कुछ जो भी था वो सब भारती का किया हुआ है, वो भारती ने उसको तल रही है। मैं बस काट के वहाँ पर किचन में दे के आ रहा हूँ उनको। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा है, ये काट के मैं लेके आता हूँ, बाकी सबको तलो वहाँ पर जो भी है। सीख गए आप बनाना? कब सीखे? नहीं, मुझे सिचुएशन में सिखा दिया। हर वक्त मैं ना मम्मी लोगों के पीछे ही पड़े रहती थी। हाँ, पहले मम्मी, फिर सासू माँ की छत्र छाया में, मतलब अभी मेरी छाया में। बहुत ज्यादा धूप लगी ना मुझे, तो मैंने खुद अपने आप ही सीखा। तो मैं इसको निकालता हूँ भारती, जब तक जाके वो जो मैदे का हम लोगों ने आटा नीट करके रखा हुआ है वो बना, उसका निमकी बनाने वाली। हाँ, निमकी, ये वो निमकी मुखिया सीरियल आता है वो नहीं है। ये जो बताया मैंने ट्रायंगुलर शेप का, कुछ दूसरा सेम इसी तरह फ्लैट बनता है वो, पर ट्रायंगुलर शेप का रहता है, बड़े समोसा साइज के लगभग। तो ऐसा अब जाके बनाओ, मैं इसको बनाता हूँ। तो तुम्हें तलने का थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूँ ना मैं भी, कि मैंने भी थोड़ा इसमें अपना योगदान दिया हुआ है। क्रेडिट तभी मिलेगा जब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं करता मैं, बड़गड़ करता हूँ। उल्टा। और बात दिवाली की हो रही है, तो जैसे हम लोग करंजी तो बना नहीं रहे, आप में से कितने लोग यूपी से हैं, तो आप लोगों ने यूपी में ना वही चीज़ खाई होगी, चाशनी वाली गुजिया, जिसको करंजी बोलते हैं नॉर्थ में, उसको गुजिया कहते हैं। आपने खाई है कभी? हाँ, लौंग लता बोलते हैं उसको वहाँ पर, वो खाई है आपने? मतलब एक बार खा लो ना, मतलब गुजिया से प्यार हो जाएगा यार, वो इतना सही लगता है। मैं एक बार मैंने खाई थी गाँव में, तो उस मतलब जब तक मैं रहा था, मैं हर रोज जाके एक तो खाता ही था वो, जब भी मतलब बाजार जाता था, वो इतना टेस्टी लगता है। हाँ, वो खाने के बाद बहुत हैवी भी लगता है, क्योंकि पूरा अंदर मावा का बना होता है वो, थोड़ा सा रवा और चाशनी में एकदम डूबी हुई जलेबी की तरह, फैंटास्टिक। एग्जैक्टली, वो गुलाब जामुन का फ्लेवर आता है उसमें, लिटरली इतना सही लगता है वो। चलो कोई नहीं, दिवाली जैसे ही ऐसी कभी हम लोग ट्राई करने के लिए बना सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं? दिवाली में नहीं, मतलब कभी ऐसी बना सकते हैं उसको ट्राई करने के लिए। तो नमक के परे तो बन चुके हैं, अभी हम बनाने वाले हैं निमकी। मैं नाम ही भूल जाता हूँ हमेशा, इतना यूनिक सा नेम है वो। और ये पूरा ना इंडिया में कैसे, आपने देखा होगा ना, आप लोग भी शायद वैसे बनाते होंगे, सब एकदम जमीन पे पसार के एकदम, यहाँ करंजी बन रही है, यहाँ कुछ और बन रहा है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग का सब सामान ये पूरा। हाँ, डिनर ऑलरेडी बना दिया हुआ है ताकि दिक्कत ना हो। ये पूरा ये यहाँ बन रहे हैं, इसकी लोई बनती हुई, हाँ छोटा छोटा भी बनाओ, क्योंकि वो पतला होना चाहिए ना। क्रिस्पी चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, इसको नरम करेंगे ना, स्लो बनाओ।
हाँ स्लो किया है, गैस स्लो है। पता मुझे कैसा फीलिंग आ रहा है, वो कुकिंग शो में रहते हैं ना, बाजू में एक बड़बड़ करता रहता है और एक बनाता रहता है मेन शेफ। हाँ वैसा वाला कि मैं यहाँ खाली पका रहा हूँ बाजू में बैठ के हमने ये डाल दिया हमने वो डाल दिया और शेफ बोलते रहे अरे ये बंद कर जरा तेरा बनाने दो मुझे। मुझे ये थोड़ा थोड़ा तो बड़ा हो और ज़रूरत है। हाँ बाजू थोड़ा सा पोक कर देना है ताकि वो फूले ना, क्योंकि फूल जाएगा तो क्या होगा, वो बाद नरम पड़ जाएंगी पूरी की तरह बेसिकली। यार ये बाल को क्या हो जाते हैं मेरे बार बार। तो गाइस ये नीमकी बन के तैयार है, एक लॉट अभी भारती बना रही है तो उसको चलो फ्राई करने का शुरुआत करते हैं। आई होप ये अच्छे बने। तेल गर्म हुआ है कि नहीं पहले चेक करना पड़ेगा। ये हमारे व्लॉग के साथ साथ रेसिपी वीडियो भी बनते जा रही है क्या? अच्छा है पब्लिक। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं और सबके अलग अलग रेसिपी होते हैं तो समटाइम्स वी कंबाइन सारे सबके टेक्निक वो बनाते हैं और वो भी अच्छा ही बन जाता है ना। चलो इसको थोड़ा पकने देते हैं थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने के लिए, क्योंकि तो खस्ता बनाने ना अपने को इसके लिए। तो हमारा दोनों चीज़ बन चुका है, मटरी भी और नीमकी भी, और यार देखने में तो ब्यूटीफुल लग रहा है ना। हाँ खुशबू तो लग रहा है हम किसी बेकरी में खड़े हुए हैं। और मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ यार, और इंडियन पब्लिक को ये बता रहा हूँ कि ये बनने में बेकरी की खुशबू आती है। पर लेट्स हैव अ लुक, लग रहा है ना मस्त। कमेंट करके बताना भाई कैसा दिख रहा है ये। लुक्स ब्यूटीफुल। तो आगे आप व्लॉग देखते रहिए, आगे के पार्ट हम क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें। कल हम बनाएंगे अपना, शायद कल टाइम मिलेगा तो कल बलून बनाएंगे या तो परसों बनाएंगे, आई मीन लैंटर्न वो थ्रेड के साथ, और कुकीज़ बनाने वाले हैं हम कल। तो व्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए। वेलकम बैक टू व्लॉग गाइस। तो अभी आपने जो देखा था, हमने जो कल बनाया था मटरी और निमकी, तो टुडे वी आर मेकिंग कुकीज़, इंडियन कुकीज़ जैसे हम नान खटाई भी कहते हैं। सो उसके लिए लाइक इसमें हमने थोड़ा सा मैदा मिलाया हुआ है, उससे थोड़ा सा कम बेसन और उससे थोड़ा सा कम रवा, सूजी जिसको कहते हैं सेमोलिना वो है, और एक थोड़ा सा चुटकी भर सॉल्ट, एक अच्छा खासा क्वांटिटी में शुगर लाइक शुगर पाउडर, इफ यू कैन सी दिस वाइट पार्ट, और इसमें एक और क्या मिलाया अपन ने, मैं भूल गया, हाँ इलायची पाउडर एक, वो भी चुटकी भर खाली, थोड़ा सा एक भीनी भीनी सी खुशबू आने के लिए, वरना ज़्यादा डालेंगे तो ओवर पावर कर देगा वो बाकी चीज़ों को। ऑफकोर्स ये भी हमारी रेसिपी नहीं है, हमारी अपनी यूट्यूब कम्युनिटी इतनी बड़ी है तो वहाँ से किसी एक चैनल से हमें एक बहुत सिंपल तरीके से मिल गया था, तो वो हमने देख के इसको ट्राई कर रहे हैं। आई होप ये अच्छा बन जाए, इवन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग दिवाली के टाइम पे खासकर। तो ये मिल चुका है अच्छे से, तो अपने को यहाँ पे घी रखा हुआ है तो बस घी थोड़ा मिलाना है और उसको डो बनाना है एक स्मूथ सा। चलो वो बनाते हैं, ये तो हो चुका है अच्छे से मिक्स। तो यार डो तो बन के तैयार है, इतनी इसकी चाहिए कंसिस्टेंसी ये इस तरीके की, ताकि इसे आप प्रॉपरली मोल्ड करके शेप दे सको। तो इसको ऐसा करना है एंड जस्ट यू हैव टू मेक अ होल इनसाइड इट, ताकि यहाँ पे आप थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल सको। देखते हैं मैं इसके बॉल्स बनाता हूँ, और साथ में हमने ये एक पिज़्ज़ा ट्रे पे रेडी कर लिया है तो इस पर हम रखेंगे उसको और अवन में बना देंगे और हमारा नान खटाई तैयार।
सो गाइस हमारे छोटे छोटे कच्चे कुकीज बन के तैयार हैं। आई होप ऐसे क्यूट लग रहे देख देख के ना। आई होप ये बनने के बाद भी उतने अच्छे लगे। हैप्पी बेकिंग गाइस, आई होप अच्छे से बन के बाहर निकलो। वाह क्या बढ़िया लग रहा है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 15 मिनट पे रखते हैं। खुशबू तो एकदम बेकरी वाली है। अरे चलो इतना नहीं जला जितना मैं सोच रहा था। नहीं मैं बोली ना दूर से, मतलब हाँ थोड़ा सा फट पड़ गया है। आई थिंक दैट शुड बी ओके। अभी चेक करना है ये भाई बराबर बना है कि नहीं। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। यार हमारे कुकीज़ बन गए और मैं बता नहीं सकता, वो इतने सही लग रहे हैं ना देख के। अभी तो टेस्ट नहीं किया है, पहले भगवान को हमें चढ़ाना है उसे, ऐसा प्रसाद दिवाली के टाइम बनाया हुआ है इसके लिए। पर यार आई एम लविंग इट। लेट्स हैव अ लुक, वन सेकंड। भाई रेट करके बताओ 1 to 10 के बीच में कितना दोगे आप लोग इन कुकीज़ को? थोड़े से काजू जल से गए हैं, काजू के लिए 0 मिलेगा। तो ये है हमारी दिवाली वाली नान खटाई और ये है नमकीन। बढ़िया लग रहा है ना? हमें तो बढ़िया लग रहा है। और हमने जस्ट एक टेस्ट किया नान खटाई को एंड इट केम आउट डिलिशियस। यार मज़ा आ गया। सो गाइस खाने पीने के सामान बनाने के बाद हम अभी अपने DIY डेकोरेटिव आइटम्स पे काम कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने ये बस अब बलून लाया हुआ है, तो इसको व्हाट विल डू इज इसको फुलाएंगे और इस पर ना फेविकॉल, वो जो स्टिक फेविकॉल में थ्रेड को डिप करके उसको रैप करेंगे। तो आपने देखा होगा ना वो लैंटर्न बनाते हैं, हाँ वैसा कुछ। तो हम वो बनाने जा रहे हैं और यहाँ भारती भी अपना कुछ कलाकारी करती हुई दिया। तो ये ऐसे कुछ कलर पेपर्स हैं जो हमने लाए हुए हैं, ठीक है। इसको कट करके आपको बताएंगे इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। सो गाइस दिवाली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमने एक क्या बोलते हैं उसे, ये आपको पीछे दिख रहा है, ये हमने पेपर का क्राफ्ट पेपर का बनाया हुआ है, भारती ने बनाया है बेसिकली। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये देखने में। लेट मी पैन द कैमरा, सी दिस लुक्स अमेजिंग। पूरी दीवार इनकी एकदम सफ़ेद सफ़ेद है, कोई कलर नहीं, तो इसने बहुत जान डाल दी पूरी दीवार में, मज़ा ही आ गया इसका। और फिर हमने बॉल के बारे में बताया था, तो ये तो एक बलून के उन्होंने थ्रेड लगाया हुआ, ये इतना अच्छे से बना नहीं, शायद इसका फेविकॉल का कुछ तो वाटर ज़्यादा मिक्स हो गया था कि क्या पता नहीं, पर ये वाला बहुत अच्छे से बना है। अभी हम लोग शाम को देखेंगे इसको और लाइक शाम को और 7-8 घंटे बाद इसके बॉल को किस तरह पंक्चर करके बाहर निकालेंगे और हमें बस एक ब्यूटीफुल सा डोम ग्लोब मिलेगा थ्रेड का, और इसमें हम इसमें फेरी लाइट या टी लाइट लगा के ये बहुत बढ़िया लगेगा। अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसको दिखाएंगे कि दिवाली हम कैसे इसको डेकोरेट करने वाले हैं, क्या चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, आई होप आपको हमारा जो भी हमने खाना बनाया वगैरह बहुत पसंद आया होगा, जो डेकोरेटिव आइटम हमने बनाए वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएँ। बोलो जय श्री राम, आप भी बोलो। और एक बात है, अपने कल्चर पे प्राउड फील करो, लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो सब प्रोपेगेंडा है, और सही बता रहा हूँ। इसे में कोई ऐसा वो क्या कहते हैं, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, बट बी प्राउड ऑफ योर कल्चर। बहुत सालों से ये सब चल रहा है, लेकिन पटाखे फोड़िए, दिए जलाइए, लगना चाहिए कि दिवाली है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे आने वाले दिवाली व्लॉग को भी देखते रहिए। बाय गाइस।